हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत करता हूँ सर अपने चैनल पे आपका। मैं आपको आज बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा कि ट्रेनिंग से रिलेटेड डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों पूरी वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पहले ये जानेंगे कि किस स्टूडेंट के लिए कौन सी ट्रेनिंग है। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ पर दिखा है मैंडेटरी। अब ये कोई नहीं कहेगा कि भैया हमें ये ट्रेनिंग करनी है या नहीं करनी है। मैंडेटरी कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। ठीक, अब सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, फिर आगे लिखा है रजिस्ट्रेशन बिफोर 10 अगस्त 2020। मतलब जिन स्टूडेंट ने 10 अगस्त 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, उन स्टूडेंट को ये ट्रेनिंग कंपलसरी करनी है। मतलब अगर आपने ये ट्रेनिंग नहीं करी थी, जून 21 में आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये ट्रेनिंग करनी है। मान लेते हैं आपने दिसंबर 20 में ट्रेनिंग कर ली थी, दिसंबर 20 में आपने एग्जाम दिया, अब आपका दूसरा ग्रुप जून 21 में है, तो आपको ये ट्रेनिंग करनी है। दोस्तों समझिए, ये पुराने स्टूडेंट के लिए है। अब जो नए स्टूडेंट है, मतलब क्या दो टाइप की ट्रेनिंग है, एक तो पुरानी ट्रेनिंग जो 100 घंटे की थी और एक 140 घंटे की स्किल ट्रेनिंग। जो पुरानी ट्रेनिंग है वो पुराने स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ध्यान सुने, मान लो आपने 10 अगस्त 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था। अब 10 अगस्त जिस स्टूडेंट ने 10 अगस्त 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, उनको ये ट्रेनिंग मैंडेटरी करनी है। अगर नहीं करी तो करो। ठीक, मैंडेटरी वर्ड का यूज करा गया है। किस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे वो अभी बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। दूसरा, जिस स्टूडेंट ने 10 अगस्त 2020 के बाद एडमिशन कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था, उनके लिए स्किल ट्रेनिंग है। मार्च से बैच स्टार्ट होने वाला है। आपके पास जो नया बैच होगा वो मार्च से स्टार्ट होगा, 2 से 10 के बीच में कभी भी बैच आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, ये 100 घंटे वाला है। पर वो स्किल ट्रेनिंग वाला जो बैच होगा, जैसे ही मेरे को अपडेट मिलेगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाए। ठीक, अच्छा, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने 10 अगस्त को से बाद कराया था रजिस्ट्रेशन, उनके लिए तो स्किल ट्रेनिंग है, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट ने 10 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, उनके लिए यारी ट्रेनिंग करनी है और कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तो मतलब 10 अगस्त आप अपनी रजिस्ट्रेशन एडमिशन फॉर्म खोलिए, रजिस्ट्रेशन डेट देख लिए, रजिस्ट्रेशन डेट अगर 10 अगस्त से पहले है तो आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब डाउट ये अराइज होता है कि सर हमने ग्रुप 1 दिसंबर 20 में दे दिया था, हमने बोथ ग्रुप दिसंबर 20 में दे दिया था। सर जिन्होंने बोथ ग्रुप दिसंबर 20 में दे दिया था, उनके लिए नहीं है ये ट्रेनिंग। अगर बोथ ग्रुप दिसंबर 20 में दे दिया था, तो दिसंबर 20 में बोथ ग्रुप वालों के लिए ट्रेनिंग एग्जम्प्ट हो गई थी ड्यू टू कोविड-19। अब जिन्होंने दिसंबर 20 में सिंगल ग्रुप दिया था और जून 21 में दूसरा ग्रुप दे रहे हैं, तो कृपया करके आप ये ट्रेनिंग कर लीजिए। दोस्तों ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है, क्योंकि जिन्होंने बोथ ग्रुप दे दिया उनको तो बेनिफिट हो गया। अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है प्रीवियस दिसंबर 20 के अंदर, तो आपको बेनिफिट हो गया, आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई कर दिया था। जिन्होंने सिंगल ग्रुप दिसंबर 20 में दिया है और जून 21 में दूसरा ग्रुप देना चाहते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग जो स्टार्ट हो रही है वो 2 तारीख से स्टार्ट होगी और टाइमिंग आपको दे रखा है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, 12 से 1, 1 से 2 घंटे की। कृपया करके मजे मत लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या समझाया, जिन्होंने दिसंबर 20 में बोध ग्रुप दे दिया था उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बोध ग्रुप के लिए अप्लाई कर चुके हैं, अब उनको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने दिसंबर 20 में सिर्फ एक ग्रुप के लिए पेपर दिए थे और वो जून 21 में आप दूसरा ग्रुप दे रहे हैं, तो आपको ये ट्रेनिंग मैंडेटरी करनी है। आप अब समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है सर, वो स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने 10 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनको ये ट्रेनिंग करनी है 100 घंटे वाली, क्या वो स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं? इसका आंसर भी है, बिल्कुल कर सकते हैं आप स्किल ट्रेनिंग, पर आपके लिए उसके लिए प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी। आप याली ट्रेनिंग कर सकते हो, करना चाहिए, ये ट्रेनिंग के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी। नए बच्चों के लिए जो नए स्टूडेंट है 10 अगस्त 2020 से पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया था, उनको स्किल ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। जो पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने 10 अगस्त 2020 से पहले एडमिशन कराया था, उनको नई स्किल ट्रेनिंग करने के लिए आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, तब आप वो सीख सकते हो, सीखना चाहते हो तो। अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है तो आपके लिए यही ट्रेनिंग होगी और इसी ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट करना है। 2 तारीख से ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होगी, क्या करना है वो सीखे। यहां तक अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, फिर अराइज हो रही है, फिर जाके कमेंट कर दीजिए, फिर भी एक वीडियो ला के मैं आपको वो डाउट भी सोल्व कर दूंगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? जहां तक मुझे स्टूडेंट ने डाउट पूछे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहां पर भी स्टूडेंट ने डाउट पूछे, वहां तक मुझे उसकी मैंने बात क्लियर कर दी है। ठीक है, तो अगर 10 अगस्त 2020 से पहले है तो मैंडेटरी करनी ही पड़ेगी,
करनी ही पड़ेगी। अगर ग्रुप वन दिया है दिसंबर 20 में और जून 21 में दूसरा ग्रुप दे रहे हो तब भी करनी पड़ेगी। दिसंबर 20 में कोई ग्रुप नहीं दिया, दिसंबर 20 में कोई ग्रुप नहीं दिया, अब दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई करो या सिंगल ग्रुप के लिए अप्लाई करो जून 21 में, पर 10 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन है तब भी करनी पड़ेगी। किन को नहीं करनी पड़ेगी, पुराने स्टूडेंट को, वो सीख लो, बाकी सबको करनी पड़ेगी। जिन स्टूडेंट ने दिसंबर 20 में बोथ ग्रुप दे दिया था उनको नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी अप्लाई हो चुके, अप्लाई कर चुके हैं बोथ ग्रुप के लिए, वो पेपर दे चुके हैं, उनको नहीं करने की जरूरत। अगर वो फेल हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो वो सीधा जून 21 में दूसरा ग्रुप दे, और कोई जरूरत नहीं है आपको ट्रेनिंग करने की, ऑलरेडी ऑलरेडी बोथ ग्रुप दे चुके हो, क्योंकि जिन्होंने बोथ ग्रुप, जिन्होंने दो ग्रुप दे चुके हैं उनसे पहले ट्रेनिंग करनी होती है, मतलब ग्रुप टू इंटर से पहले की ट्रेनिंग होती है, वो इंटर दे चुके हैं पूरा पूरा ग्रुप वन ग्रुप टू, तो उनको नहीं करनी, बाकी सबको करनी है। आप जो भी किस कैटेगरी में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिए, किस तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट करेगी वो देख लीजिए। 2 तारीख 2 मार्च से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, सिर्फ 2 घंटे की ट्रेनिंग स्टार्ट है। आपके पास मीटिंग आईडी आपको दे रखी है, देखो ये रही, हर एक दिन की मीटिंग आईडी है, हर एक दिन का पासवर्ड आपको दे रखा है, वह है वेलकम। ठीक है, कहता है आज वेलकम कर लो, आज 2 घंटे मजे ले लो, ठीक है, मतलब पढ़ाई ठीक 184 ये करके मीटिंग आईडी है। तो किस तरीके से, जूम ऐप में होने वाला है क्या? नहीं दोस्तों, जूम ऐप की तरह एक सिमिलर नेचर का एक एप्लीकेशन है, नीचे देखेंगे आप इस शेड्यूल के हिसाब से चलिए। अगर ये शेड्यूल आपको नहीं मिल रहा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करिए, वहां पर मैंने डाला हुआ है। कहां है टेलीग्राम चैनल? लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी दोस्तों, जल्दी से कर लीजिए, बहुत कम प्राइसेस में चैप्टर वाइज क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी, हैंड रिटन नोट, स्टडी मटेरियल, एमटीबी सब वहां पर एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, जल्दी से जल्द लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करिए। आओ सर वापसी आते हैं, नोट क्या दे रहा है, कह रहा है क्लासेस विल बी कंडक्ट थ्रू वर्चुअल मोड, kindly download the WebEx application। भाई ये Zoom app की तरह है, WebEx application download करो, meeting ID वहाँ पर बोलेगा, meeting ID जिस दिन की हो वो डाल देना और password में डाल देना welcome। जैसे ही आप क्लिक करोगे join, automatically आ जाएगा। कब start करना? करेक्ट 12 बजे डालना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेट पहुंचोगे चलता है, इतना चलेगा। बीच में अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस पूरी कंपलसरी। हाँ, बड़े स्टूडेंट का बड़े मैसेज आते हैं कि सर इसका पेपर भी होगा का? दोस्तों जब ये ऑफलाइन हुआ करता था तो पेपर भी होता था, और पेपर होना, पास होना कंपलसरी होता था। अब ऑनलाइन के बारे में पेपर होगा नहीं होगा वो आपको वहीं पर बता देंगे, मीटिंग में जब आपकी ट्रेनिंग होगी ना वहीं बता देंगे कि आपका पेपर होने वाला है या नहीं होने वाला, वो बता देंगे। ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन में पेपर होते थे और पास होना भी जरूरी होता था, कोई फीस नहीं देनी इसकी आपको, सीधा ही आपको WebEx एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, चाहे आप लैपटॉप में चलाओ, लैपटॉप में चलाना, चाहे विंडो में चलाना है, जहां मर्जी चलाना, वहां आपको मैकबुक में चलाना है, आपको फोन में चलाना है, एंड्रॉइड फोन में, जिस फोन में, WebEx एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, क्लास ज्वाइन द क्लास एज पर दी आईडी, जिस दिन की जो मीटिंग आईडी है वो डालना, पासवर्ड डालना वेलकम, और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 12 बजे स्टार्ट कर देना, बस कुछ नहीं करनी। 2 बजे अपने आप मीटिंग खत्म होगी, 2 बजे क्लास खत्म होगी, बस 2 घंटे की है दोस्तों, मजे मत करिए आप। 21 तारीख तक कर लीजिए आप आराम से आपका रिजल्ट, और कब तक रिजल्ट आने वाला है, क्या रहेगा, वो बात की बात करेंगे। रिजल्ट जो जिन्होंने जिन उसमें चैनल में बने रही है, जल्द से जल्द अपडेट लेकर आऊंगा जो भी आपके पास मैंने अपडेट होगा। तो होपफुल आपको ये वीडियो समझ में आई, आपको करनी है या नहीं करनी, अभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करें भाई, कमेंट करो भाई और बहन, आपके सारे डाउट क्लियर। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, सपोर्ट दिखाइए अपना। थैंक यू वेरी मच।